हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बच्चे, आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 6 लेकर के आए। तो लेक्चर 6 पढ़ने से पहले आप लोग लेक्चर 5 जरूर देखिए। लेक्चर 6 में हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। लेक्चर 5 तक में हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग सर्कल का कुछ कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि सर्कल किस किस कंडीशन में होगा और उस कंडीशन में हम उसको देख करके क्या क्या जान सकते हैं। आइए, कंडीशन कुछ इंपोर्टेंट कंडीशन है सर्कल का। तो देखिए, जैसे ये आपका सर्कल एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है सर, ओरिजिन। सबसे पहला कंडीशन है कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। सर्कल जब एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या सब होगा? ये आपका सर्कल, ये अभी एक्स एक्सिस को टच कर रहा, तो इसका सेंटर जो होगा सर, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच को मार्क के अगर हम बोलते हैं, के तो यही ना है सर, के। ये के क्या है? इसके रेडियस के बराबर। वाई कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का, वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। अगर आपके सर्कल का सेंटर एच को मार्क के है, इससे हमको एक बात पता चला, के जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। कब सर? जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर। अगर सर्कल आपका एक्स एक्सिस को टच करता है, तब सर्कल का सेंटर जो है, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा सर, वो किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकेंड क्वाड्रेंट है, तब तो के बराबर प्लस आर। लेकिन अगर सर आपका सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ना हो करके थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब आपका के का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस आर। इसीलिए हमने लिखा आर बराबर क्या? मॉड के। आर बराबर क्या हो जाएगा? मॉड के। मॉड के बराबर बात समझ में आ रही। तो सर्कल जब आपका एक्स एक्सिस को टच करता है, तब आपका आपके सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो प्लस माइनस आर के क्या होगा? इक्वल। अगर सर्कल सर वाई एक्सिस को टच करता है, सेकंड सर्कल टचेज वाई एक्सिस, सर्कल टचेज वाई एक्सिस। अगर सर आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, किसको टच करता है सर? y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अगर आपका सर्कल जो है y एक्सिस को टच करता है, तब देखिए क्या कंडीशन बनता है। y एक्सिस को टच करिए, यहां आपका सेंटर। अब बताइए, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर हम h को मार्क के बोलते हैं, तो आप बोलो भाई, सेंटर का कोऑर्डिनेट जब एच को मार्क के बोलते हैं, तो इसका ये क्या है? रेडियस। और रेडियस इस सेंटर के किसके बराबर हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे? एच बराबर प्लस माइनस आर, क्योंकि कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ना हो सकता है, रेडियस सिर्फ पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेडियस क्या है? लेंथ। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एच बराबर आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस आर। तो आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आर कोमा। और यहाँ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, यहाँ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? बोलिए, एच कोमा प्लस माइनस आर। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तब सर्कल का कोऑर्डिनेट एच कोमा प्लस माइनस आर लिखेंगे। और अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, तब सर्कल का सेंटर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस आर कोमा के, प्लस माइनस आर को ना। और आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर मॉड ऑफ एच। आर बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एच। बात समझ में आ गई होगी कि अगर सर्कल आपका एक्स एक्सिस को टच करता है, तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट एच को ना प्लस माइनस आर होगा। और अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, तब आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस आर को ना के। पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब चलिए सर, अब तीसरा कंडीशन होगा कि सर्कल टचेज बोथ एक्सिस। अगर दोनों एक्सिस को टच कर दिया, लीजिए सर, अगर दोनों एक्सिस को टच कर दिया तब क्या कंडीशन होगा? ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। सर्कल जब दोनों एक्सिस को टच करेगा सर, तब क्या कंडीशन बन सकता है? देखिए इसका सेंटर है सर, देखिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। वाई कोऑर्डिनेट देखें तो सर वाई कोऑर्डिनेट भी इसके रेडियस के ही बराबर हो जाता है। ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है सर, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका आर और वाई कोऑर्डिनेट भी कितना आर। अब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो हम लिख देंगे प्लस माइनस आर, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस माइनस आर। तो अगर आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? आपको सेंटर बोले तो सेंटर बता देना है कितना, प्लस माइनस आर कोमा प्लस माइनस आर, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। कब? अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तब। इसको भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड टचेज एक्स एक्सिस इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट 2, -5, फाइंड इट्स इक्वेशन। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करता है। सर्कल इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और कहता है इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट 2, -5, अगर ये सर 2, -5 से पास करता है तो आप इसका इक्वेशन बताइए क्या होगा। रेडियस भी दे दिया, रेडियस कितना यूनिट दे दिया है सर? 5 यूनिट रेडियस दे दिया। अब थोड़ा सा इसका हम फिगर बना करके आपको विजुअलाइज कराते हैं। तो सर्कल का रेडियस जो है, रेडियस वो कितने यूनिट का है? 5 यूनिट। तो एक्स एक्सिस को टच करने वाला एक सर्कल बना लीजिए, ये आपका सर्कल और ये आपका सेंटर। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए एच होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस के ही बराबर होगा, रेडियस के बराबर एच कोमा क्या आर। अब वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव की निगेटिव? आप कहेंगे निगेटिव, नीचे नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, एच कोमा आर माइनस आर हो जाएगा, एच कोमा माइनस। तो सर्कल का सेंटर हमको पता चला, सेंटर कितना है बोलो भाई? सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया हमको, एच कोमा माइनस रेडियस कितना है? 5। रेडियस भी आपका दिया, रेडियस आपका 5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एच कोमा माइनस 5। सर जब सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया एच कोमा माइनस 5, रेडियस आपका 5, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल तो लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की जगह पे कितना है? 5 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए सर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx हो जाएगा, माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25 और 25 क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। अब ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस 10y, इधर कितना बच गया? 0। अब एक चीज और दिया हुआ है सर, इट पासेस थ्रू पॉइंट 2, -5, यानी आपका सर्कल जो है वो 2, -5 से क्या होती है? पास कर। तो सर सिंस सर्कल पासेस थ्रू 2, -5, सर्कल जो है आपका 2, -5 से पास करता है, सर्कल पासेस थ्रू 2, -5, तो सर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे -5 रखेंगे, तो x की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इधर लिखिए 4,
प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच, एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा टू, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे माइनस फाइव का स्क्वायर, तो 25, फिर वाई की जगह माइनस फाइव रखेंगे 10 इंटू माइनस फाइव कितना माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये अब आपका सब यहाँ से 25 चार 29, 29 से 50 चला गया तो कितना होता है एच स्क्वायर माइनस फोर एच, बोलिए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा बराबर कितना 0। एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस 21 बराबर क्या आ गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7h प्लस 3h लिखेंगे माइनस 21 इज इक्वल टू, इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, इस दोनों से आपका एच कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एच माइनस 7 प्लस, इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा बुआ 3 इंटू एच माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आइदर एच माइनस 7 आइदर एच माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और एच प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एच का वैल्यू 7 भी आ गया, एच का वैल्यू माइनस 3 हो गया, दो दो वैल्यू आ गया सर। लेकिन एच का वैल्यू होना क्या चाहिए, एच का वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में एच प्लस 3 बराबर यहाँ 0 तो एच का वैल्यू कितना आ गया सर माइनस 3। अब देखिए सर एच का वैल्यू पॉजिटिव भी आ गया है, एच का वैल्यू निगेटिव, लेकिन हम लोगों को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रहे तो सर उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे सर एच का वैल्यू कितना 7। तो एच का वैल्यू आपका 7 आ गया। अब इसी एच का वैल्यू कहाँ रख दीजिए सर, आप अपने इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट जिस इसको मान लिए हैं तो इस एच का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, वही आपका सर्कल का इक्वेशन कहाँ जगह तो है यहाँ पुट एच बराबर 7 पुट एच बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर कौन का 49 होता है माइनस माइनस टू एच एक्स माइनस टू एच एक्स एच की जगह कितना 7 दूसरे 14 एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई इज इक्वल टू ये आपका आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 10 वाई प्लस 49 इज इक्वल टू यही आपका सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए सर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या करता है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचेज वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,3 देन फाइंड इट्स इक्वेशन। एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है और वाई एक्सिस को टच करता है किस पॉइंट पर 0,3 पर तो कहता है इसका इक्वेशन बताइए। आइए इसको थोड़ा फिगर बना करके विजुअलाइज करते हैं, ढील आ जाएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां पे सेकेंड थोड़ा सा ढील चलो भाई ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया। चलिए आपका सर्कल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सर्कल है और ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करता है 0,3। इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है रेडियस कितना 2 यूनिट यही ना रेडियस है ये आपका रेडियस है 2 यूनिट तो ये रेडियस है यानी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट इधर तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा इसीलिए माइनस वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग के बोल देते हैं y कोऑर्डिनेट भी तो पता ही है सर जब ये x y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट ही पता है सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 है तो सर्कल का सेंटर पता चल गया रेडियस आपका 2 हो गया और सेंटर -2 को यहाँ समझने का प्रयास कैसे हम सेंटर निकाले सर आपका सर्कल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में
वाई एक्सिस को टच करता है, कहाँ पर दिया हुआ है टचेज वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0.3, ये वाई एक्सिस को 0.3 पर टच करता है। तो सर 0.3 पर टच करता है, तो जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपके रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा। और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव होता है। आपको बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, तो -2 होगी। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चला सर, चूंकि वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस सर्कल जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है 0.3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। जब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 3 है इसका भी कितना हो जाएगा सर, तो ये सर्कल का आपका क्या हो गया सेंटर, सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, सेंटर आपका, सेंटर आपका कितना -2.3 और रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका 2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का आसान था, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच बोलो बउआ, एच माइनस 2, एक्स माइनस -2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, के जगह पे कितना है बाबू 3, तो वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बराबर आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा, क्या 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। फाइनली हमारा क्वेश्चन आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 30, या फिर 4 कैंसिल कर दीजिए प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आपका आ गया 0 आ गया, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो ये दो सवाल जो था ये एक एक्स एक्सिस को टच किया गया था और एक में वाई एक्सिस को टच किया गया। अगले वीडियो में हम वो सवाल भी देखेंगे जिसमें सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।